बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसके बाद छात्रों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। विपक्ष हमलावर है और राज्य सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा। बेशक परीक्षा को आनन फानन में रद्द कर दिया गया और जांच टीम भी गठित कर दी गई, लेकिन लोगों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या है बीपीएससी परीक्षा, जिसका पेपर लीक होने के बाद बिहार की सड़क से लेकर सियासी गलियारों तक हंगामा बरपा हुआ है और राज्य सरकार से जवाब देते नहीं बन रहा है। बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग एक आधिकारिक संस्था है, एक संवैधानिक संस्था है। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए ये परीक्षा आयोजित कराती है। 1 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले रांची में इसका मुख्यालय था। 1 मार्च 1991 को इसे रांची से पटना स्थानांतरित किया गया। 1956 से हुई बीपीएससी की शुरुआत। ग्रेजुएट ही दे सकते हैं बीपीएससी की परीक्षा। 21 से 37 साल के लोग ही भर सकते हैं फॉर्म। उम्र सीमा में ओबीसी के लिए जहां 3 साल की छूट है, वहीं एससी एसटी श्रेणी के लिए 5 साल की छूट है। बीपीएससी परीक्षा 3 स्टेज में होती है। प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस यानी मुख्य परीक्षा, इंटरव्यू यानी साक्षात्कार। चलिए अब आपको प्रारंभिक परीक्षा के बारे में बताते हैं। इस परीक्षा में सामान्य ज्ञान, गणित, रीजनिंग आदि विषयों से संबंधित 150 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद होती है मुख्य परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले ही मुख्य परीक्षा दे सकते हैं। ये परीक्षा लिखित तौर पर देनी होती है। प्रारंभिक परीक्षा से ये परीक्षा कठिन मानी जाती है। इसके बाद साक्षात्कार देना होता है, जिसमें 120 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि चयनित लोगों को सैलरी कितनी मिलती है। शुरुआत में 50,000 रुपए के आसपास सैलरी होती है। अब जान लेते हैं कि बीपीएससी के पदों की सूची क्या कुछ है। गृह विभाग आरक्षी शाखा के तहत पुलिस उपाधीक्षक का पद होता है। वहीं गृह विभाग विशेष शाखा के तहत जिला अध्यक्ष का पद होता है। कैदी जेल और सुधारक सेवा निरीक्षणालय का पद होता है। वाणिज्य कर विभाग के तहत सहायक आयुक्त राज्य कर का पद होता है। निर्वाचन विभाग के तहत निर्वाचन अधिकारी का पद होता है। वहीं श्रम संसाधन विभाग के तहत योजना अधिकारी, जिला आयोजन अधिकारी का पद होता है। गन्ना उद्योग विभाग के तहत अधिकारी का पद होता है। गृह विभाग के तहत बिहार परिवीक्षा सेवा का पद होता है। परिवहन विभाग के तहत अपर जिला परिवहन अधिकारी का पद होता है। नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत नगर निगम कार्यकारी अधिकारी का पद होता है। उपभोक्ता संरक्षण विभाग के तहत खाद्य एवं आपूर्ति निरीक्षक का पद होता है। श्रम संसाधन विभाग के तहत श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पद होता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के तहत राजस्व अधिकारी का पद होता है। पंचायती राज विभाग के तहत खंड पंचायत राज अधिकारी का पद होता है। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का पद होता है। तो देखा आपने कि कितनी अहम ये परीक्षा होती है और इसी का पेपर लीक होने की वजह से बिहार में हंगामा बरपा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।